I am Vinadarasri. We are reading chapter 4 from the diary of Anne Frank. Before you read, this is a photo as I would wish myself to look all the time. Then I would maybe have a chance to come to Hollywood. Anne Frank, 10 October 1942. Annelise Mary Anne Frank, 12 June 1929 को जन्म हुआ, फरवरी मार्च 1945 वॉज ए जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल। ये जर्मन में जन्मी एक यहूदी लड़की थी हु रॉट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड हर फोर फ्रेंड्स, जिसने उसका परिवार और उसके चार मित्रों के साथ जब वो छिपकर रह रही थी, हाइडिंग रह रही थी, तब ये लिखी थी इन एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड ने, नीदरलैंड पर जो जर्मनियों ने ऑक्यूपेशन कर लिया था, कब्जा कर लिया था, उस समय हर फैमिली हैड मूव, उसका परिवार चला गया था, मूव कर गया था टू एम्स्टर्डम, वहाँ से एम्स्टर्डम चला गया था नीदरलैंड से, आफ्टर द नाजीज, जब नाजियों ने गेन पावर, सत्ता आई इन जर्मनी, जर्मनी में, बट वर ट्रैप्ड, लेकिन उनको पकड़ लिया गया व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड, जब नाजियों का कब्जा बढ़ा इन टू द नीदरलैंड, नीदरलैंड तक बढ़ गया, एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जो यहूदी लोगों की जो आबादी थी वो उन पर उनके जब परसिक्यूशन बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, अत्याचार बढ़ गए, द फैमिली वेंट, तब वो परिवार जो है गया इन टू हाइडिंग, छिपने के लिए इन जुलाई 1942, जुलाई 42 में, और इन हाइडिंग रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, तो उसके पिताजी, एनी के पिताजी का नाम है फ्रैंक, ऑटो फ्रैंक, तो ऑटो फ्रैंक के जो कार्यालय की जो इमारत थी उसके जो छिपने वाले जो कमरे थे गोपनीय हिडन, उन कमरों में छिप करके रहे। आफ्टर टू ईयर्स, दो साल बाद इन हाइडिंग छिपकर रहते हुए द ग्रुप वॉज बिट्रेड, उस समूह की जो चिपका रह रहे थे उनको भी भंडाफोड़ हो गया, यानी पोल खुल गई, पकड़ में आ गए, एंड ट्रांसपोर्टेड, और उनको भेज दिया गया टू दी कंसंट्रेशन कैंप, जो नज़रबंदी शिविर होता है वहाँ बंदियों के लिए, सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस, जहाँ पर एनी टाइफस से, यानी कि टाइफाइड से मर गई, इन बर्जिन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, जिन दिनों उसकी बर्जिन बेल्सन जगह है वहाँ पर उसकी बहन की मृत्यु हुई थी, और उसकी बहन का नाम है मार्गोट फ्रैंक। हर फादर ओटो, उसके पिताजी ओटो, द ओनली सर्वाइवर, एकमात्र जीवित बचे थे ऑफ द ग्रुप, उस समूह में से, रिटर्न टू एम्स्टर्डम, वापस वो एम्स्टर्डम लौट आए आफ्टर द वार एंडेड, जब युद्ध समाप्त हो गया था, टू फाइंड, जब उन्हें पता चला दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, की उसकी डायरी बच गई है, सुरक्षित है, कन्विंस्ड दैट इट वॉज यूनिक रिकॉर्ड, तब उनको विश्वास हो गया, लगा कि ये जो रिकॉर्ड है डायरी में लिखा हुआ वो एक अपने आप में सबसे अलग है, यूनिक है, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, तब उन्होंने, उसके पिताजी ने ये क्रिया की, एक्शन किया कि उसको पब्लिश करवाया, छपवाया इन इंग्लिश अंडर द नेम, और इस नाम से छपवाया द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एक छोटी लड़की की डायरी इंग्लिश भाषा में छपवाया, द डायरी डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक, और ये जो डायरी थी वो एनी फ्रैंक को दी गई थी फॉर हर 13th बर्थडे, 13वें जन्मदिन पर, एंड क्रॉनिकल्स, और इसमें जो लिखा गया है द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन की जो घटनाएं हैं, फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944, 12 जून से लेकर के 1 अगस्त 44 तक उसमें एंट्रियां की हुई है, इट वॉज इवेंचुअली, और आखिरकार ट्रांसलेटेड, इसको बाद में अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, इसकी जो मूल भाषा थी डच भाषा, उससे इंटू मैनी लैंग्वेजेज, कई भाषाओं में, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और ये विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली किताबों में से एक किताब बन गई, देर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और उस कहानी पर बहुत सारी फिल्में भी बनी, टेलीविजन पर धारावाहिक बने, एंड थिएट्रिकल ड्रामा और प्रोडक्शंस उत्पादन, एंड इवन एन ओपेरा, यहाँ तक कि संगीत प्रधान नाटक भी बने बेस्ड ऑन द डायरी, उसी डायरी की किस्से कहानियों पर आधारित, described as the work of a mature
और इसमें जो काम है वो एकदम परिपक्वता पूर्ण है और इनसाइटफुल अंतर्दृष्टि वाले मस्तिष्क के साथ इसमें वर्णन किया गया है। द डायरी प्रोवाइड्स, डायरी उपलब्ध करवाती है एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, जो दैनिक जीवन की जो अंतरंग परीक्षण होते हैं, घटनाएं होती है अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, जब नाजियों ने कब्जा किया था उन दिनों, उन सबको प्रस्तुत करती है। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, और एनी फ्रैंक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बन गई थी एंड डिस्कस्ड, जिस पर चर्चा की जाए, ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स, यहूदियों के जो सर्वनाश किया, उन पर अत्याचार किया, उस पीड़ितों में से एक पीड़ित के तौर पर। अब ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, डायरी में लिखना वास्तव में एक अजीब अनुभव है फॉर समवन, किसी के भी लिए, लाइक मी, मेरे जैसे। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग, ये इसलिए नहीं कि मैंने कभी कुछ नहीं लिखा बिफोर, इससे पहले, बट ऑल्सो बल्कि बिकॉज इट सिम्स टू मी, ये मेरे को ऐसा लगता है, दैट लेटर ऑन, बाद में, नाइदर आई नॉर एनी वन, न तो मैं और न ही कोई अन्य एल्स अन्य विल बी इंटरेस्टेड, जो रुचि लेगा इन द म्यूजिंग्स, इस विचारों पर, ऑफ ए 13 ईयर, एक 13 वर्ष की ओल्ड स्कूल गर्ल, विद्यालय जाने वाली लड़की के विचारों पर। ओ वेल, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मेरे को लिखने की इच्छा हुई, एंड आई हैव एन इवेंट, और मेरे को एक, आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और इससे भी अधिक आवश्यकता हुई, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ, कि मैं सभी प्रकार की चीज़ों को गेट ऑफ कर दूं, यानी हटा दूं, माई चेस्ट, मेरे सीने से, यानी अपने दिल का बोझ उतार दूं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस, कागज़ में सबसे ज़्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है, देन पीपल, लोगों की तुलना में। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैंने इस कहावत के बारे में सोचा, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों, व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस, जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस महसूस कर रही थी, अवसाद में महसूस कर रही थी, एंड वॉज सिटिंग एट होम, और घर पर बैठी थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, और मेरी जो टुड्डी मेरे हाथों पर रख करके, बोर्ड उबा हुआ महसूस करते हुए, एंड लिस्टलेस, निराश होकर के, वंडरिंग, सोचते हुए, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि अंदर रहा जाए या बाहर जाया जाए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और अंततः मैं वहीं रुकी जहाँ मैं थी, ब्रूडिंग, चिंता करते हुए, चिंतन करते हुए, सोचते हुए, यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कि कागज़ में ज़्यादा धीरज होता है, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन, और क्योंकि मैं योजना नहीं बना रही थी कि मैं किसी अन्य को भी, एल्स, दूसरे को रीड दिस पढ़ने के लिए दूँ। स्टिफ बैक्ड, कठोर जिल्द वाली नोटबुक, ग्रैंडली, बड़े शान से, रेफर्ड टू एज ए डायरी, जिसको कि डायरी कहते हैं, अनलेस आई शुड एवर, जब तक नहीं दूंगी, कब तक, कि आई एवर फाइंड, कि मेरे को कभी मिले ए रियल फ्रेंड, सच्चा मित्र, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, इससे ए बिट, थोड़ा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा संभवतया, प्रोबेबली। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं मुख्य बात पर आती हूँ, दैट प्रॉम्प्टेड मी, जिसने मेरे को प्रेरित किया टू कीप ए डायरी, एक डायरी रखने के लिए, इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले, आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरे कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, इसको और अधिक स्पष्ट करूँ, सिंस, क्योंकि नो वन विल बिलीव, कोई विश्वास नहीं करेगा, दैट ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन, कि एक 13 वर्ष की जो लड़की है बिल्कुल अकेली है इन द वर्ल्ड, संसार में, एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यारे माता पिता हैं, एंड ए 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, और एक 16 वर्ष की बहन है, एंड देर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग हैं आई कैन कॉल फ्रेंड, जिनको मैं मित्र कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरे एक परिवार है, लविंग आंट्स, प्यारी प्यारी चाचियाँ हैं, एंड ए गुड होम, एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस, ये सब ऊपरी तौर पर, मोटे तौर पर, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय एक सच्चे मित्र के सिवा, ऑल आई थिंक, और जो कुछ मैंने सोचा अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, जब मैं मित्रों के साथ हूँ, इज हैविंग ए गुड टाइम, एक अच्छा समय निकल रहा है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग, और मैं
अपने आप से कुछ कहने के स्थिति में नहीं हूँ, बट लेकिन ऑर्डिनरी, साधारण रूप से एवरीडे थिंग्स, रोज की जो बातें होती है, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। और ऐसा नहीं लगता कि हम कोई भी एक, कोई भी एनी भी कोई क्लोज है, ज़्यादा घनिष्ठ है जिससे मैं रोज की बातें कर सकूँ। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, यही एक समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरी गलती हो, दैट वी डोंट कन्फाइड, कि हम विश्वास नहीं करते हैं इन ईच अदर, एक दूसरे पर, इन एनी केस, किसी भी मामले में। दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स, कि कैसे जो थिंग्स है, घटनाएं हैं, आर, एंड अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, इस परिवर्तन के लिए वो घटनाएं भी जिम्मेदार नहीं हैं। दिस इज वाई, यही कारण है आई हैव स्टार्टेड द डायरी, कि मैंने डायरी शुरू की लिखना, टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, और इसमें सुधार करने के लिए, जिसकी छवि जो है, इमेज जो है, जिसकी मैंने काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रखी है, मित्र की, इन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना में, कि मेरा सच्चा मित्र। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन, में जल्दी जल्दी में नहीं लिखना चाहती। द फैक्ट्स इन दिस डायरी, जो घटनाएं हैं इस डायरी में, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जिसको कि ज़्यादातर लोग करते हैं, बट आई वॉन्ट द डायरी, लेकिन मैं चाहती हूँ डायरी टू बी माई फ्रेंड, कि ये मेरी फ्रेंड बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं इस सहेली को, इस मित्र को किट्टी नाम दूंगी, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड, और क्योंकि कोई भी एक शब्द भी नहीं समझ सकेगा ऑफ माई स्टोरी, मेरी कहानियों का, टू किट्टी, जो किट्टी को कहूँगी। इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं सीधे ही शुरुआत करूँ, आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ, तो इसके लिए अच्छा होगा कि मैं एक थोड़ा सा संक्षिप्त में प्रोवाइड करा दूँ, स्केच ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की रूपरेखा। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जबकि मेरे को ऐसा करना ज़्यादा पसंद नहीं है, डिसलाइक करती हूँ। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल, मेरे पिताजी सबसे ज़्यादा प्यारे फादर आई हैव एवर सीन, मैंने कभी देखे हैं। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, जब तक मेरी मम्मी 36 यानी 36 साल की नहीं हो गई, तब तक उन्होंने शादी नहीं की। एंड शी वॉज 20, ही वॉज, जब तक कि वो 36 के नहीं हो गए, और मेरी मम्मी 25, 25 की नहीं हुई। माई सिस्टर मार्गोट, मेरी बहन मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, और मेरी बहन मार्गोट का जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में, इन 1926। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रही, अंटिल आई वॉज 4, जब तक कि मैं 4 साल की नहीं हो गई। माई फादर एमिग्रेटेड, मेरे पिताजी ने पलायन किया, टू हॉलैंड इन 1933। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम, मेरी माँ, जिसका नाम की एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक है, वो उनके साथ गई टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, वाइल मार्गोट एंड, जबकि मार्गोट और मैं वर सेंट टू आचम टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, हमारी दादी माँ के साथ रहने के लिए हम दोनों को वहाँ भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड, और मार्गोट बाद में हॉलैंड गई इन दिसंबर, एंड आई फॉलोड, मैं भी गई बाद में इन फेबरवरी, फरवरी, व्हेन आई वॉज प्लंक डाउन, जब मेरे को दम से गिरा दिया गया ऑन द टेबल, एज ए बर्थडे प्रेजेंट, जन्मदिन के उपहार के तौर पर मेरे को टेबल पर प्रस्तुत किया गया धमाक से, फॉर मार्गोट, मार्गोट के। आई स्टार्टेड राइट अवे, ए मैंने शुरू किया सीधा, द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, पहली क्लास जो शुरुआत की होती है मोंटेसरी, वहाँ से शुरू किया पढ़ना। आई स्टेड देयर, मैं रुकी वहाँ, अंटिल आई वॉज 6, जब तक कि मैं 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और जब मैंने पहले फॉर्म यानी पहली क्लास में पढ़ना शुरू किया, इन द 6th फॉर्म, माई टीचर वॉज मिसेज कुप्रस, और जो मेरी टीचर थी श्रीमती कुप्रस, द हेड मिस्ट्रेस, प्रधानाध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, और आखिरी वर्ष में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों की आंखों में आंसू थे, एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जब हमने हृदय विदारक फेयरवेल कहा, विदाई कहा, तो हम दोनों की आंखों में आंसू थे। इन द समर ऑफ 1941, 1941 की गर्मी में, ग्रैंड माँ फेल इल, दादी माँ बीमार हुई, एंड
हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनको एक ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जन्मदिन जो है बिना लिटिल यानी न के बराबर समारोह उत्सव हुआ मनाया गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, 1942 में दादी माँ मर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता कि मैं उसके बारे में कितना सोचती। स्टिल लव हर, और अभी भी उससे प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, ये जो जन्मदिन था जो 42 में मनाया गया, वो इंटेंडेड इसमें इरादा था टू मेकअप भरपाई करने का फॉर दी अदर, जो पिछले नहीं मना पाए उनके लिए। ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट, और दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई अलोंग विद द रेस्ट, मेरे जन्मदिन की मोमबत्तियों के साथ ही, बाकी के साथ। द फोर ऑफ अस, हम चारों ही आर स्टिल डूइंग वेल, अभी भी ठीक से कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और ये अच्छा समय चलता रहा 20 जून 1942 तक। दिस सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और ये मैंने गंभीरतापूर्ण समर्पण के साथ मेरी डायरी को लिखना जारी रखा। अब डायरी में कैसे लिखा है, स्टार्ट डायरी। डियरेस्ट किट्टी, सबसे प्यारी किट्टी, आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, पूरी क्लास उसके क्वेकिंग इन बूट्स का मतलब डर हो रहा था, समय कांपना एक इडियम है। द रीजन, और इसकी वजह है ऑफ कोर्स, इज द फोर्थ कमिंग, आने वाली मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि इस मीटिंग में टीचर डिसाइड करेंगे कि कौन आगे की क्लास में मूव अप करेगा टू द नेक्स्ट फॉर्म, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन पीछे रहेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, आधी कक्षा तो बैट्स लगा रही है, शर्तें लगा रही है। जी एन एंड आई लाफ आवर सेल्फ, जी एन और मैं हम स्वयं पर हंस रहे हैं, सिल्ली मूर्खता पर। एट द टू बॉयज, उन दो लड़कों की मूर्खता पर हम खुद ही हंस रहे हैं। बिहाइंड अस, जो हमारे पीछे हैं, सी एन एंड जैक्स, सी एन और जैक्स की जो मूर्खता है उन पर हम दोनों हंस रहे हैं। हु हैव स्टैक्ड, जिसने की दांव पर लगा दी देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग, पूरी की पूरी छुट्टियों की जो बचत थी उसको ऑन देयर बेड, उनकी शर्त पर खर्च कर दी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर के रात्रि तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, कि तू पास हो जाएगा। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँगा। यस यू आर, अरे हाँ तो हो जाएगा। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँगा। इवन जी एस प्लीडिंग ग्लांसेज, यहाँ तक कि जी एस की याचना करती हुई नजर निगाहें। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरा गुस्सा, कांट काम दे, उनको नहीं शांत कर सका, काम डाउन नहीं कर सका। इफ यू आस्क मी, अगर आप मेरे से पूछते हैं, देयर आर सो मैनी डमीज, कि बहुत सारे डमी हैं, मूर्ख व्यक्ति हैं, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, की कक्षा की एक चौथाई जो बच्चे हैं, शुड बी केप्ट बैक, उनको पीछे ही रखना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, कि टीचर के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ऐसे जीव होते हैं, क्रिएचर होते हैं ऑन आर धरती पर। आई एम नॉट सो वरीड, मैं इतनी चिंतित नहीं हूँ अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, मेरी सहेलियों के बारे में, एंड माई सेल्फ, मेरे खुद के बारे में। वी विल मेक इट, हम इसको कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, केवल एक विषय जिस पर मेरे को पक्का विश्वास नहीं है, इज मैथ्स, वो है गणित। एनी वे कोई बात नहीं, ऑल वी कैन डू इज वेट, हम जो कर सकते वो है इंतजार। अनटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर, तब तक हमने एक दूसरे को कहना रखा जारी, नॉट टू लूज हार्ट, की हिम्मत नहीं हारना। आई गेट अलोंग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मेरे सभी जो अध्यापक हैं उनके साथ मेरी बहुत ही अच्छी बनती है, गेट अलोंग विद अच्छा है मेरा। देयर आर नाइन ऑफ देम, और उन टीचर्स में नौ टीचर हैं, सेवन मैन, सात पुरुष, एंड टू वीमन, दो औरतें। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी, जो मिस्टर किसिंग सर हैं वो पुराने रूढ़िवादी हैं। हु टीचेज मैथ, जो गणित पढ़ाते हैं, वॉज अनॉयड विद मी, मेरे से चिढ़े हुए थे, फॉर एजेस, काफ़ी लंबे समय से, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कितनी ही चेतावनियों के बावजूद, ही असाइंड मी, उन्होंने मेरे को असाइन दिया, होमवर्क दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क, अतिरिक्त गृह कार्य दिया, एन एसे ऑन द सब्जेक्ट,
ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी के ऊपर एक निबंध लिखने के लिए दिया। ए चैटर बॉक्स, वॉट कैन यू राइट अबाउट दैट, एक बातूनी के ऊपर तुम क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी, मेरे को चिंता हुई अबाउट दैट लेटर, उस लेटर पर। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। आई जोटेड डाउन, कि मैं फटाफट लिखा। द टाइटल, शीर्षक, इन माई नोटबुक, मेरी कॉपी में। टक्ड इट इन माई बैग, और मेरे बैग में डाल दिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और अपने आप को क्वाइट रखने का, शांत रखने की कोशिश की। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने मेरा बाकी का गृह कार्य पूरा कर लिया। दी नोट अबाउट द एसे, एसे के बारे में जो टिप्पणी थी, कॉट माई आई, मेरी नज़र पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट, मैंने सोचना शुरू किया। द सब्जेक्ट, वाइल चूइंग द टिप, जबकि मैं टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन की आखिरी छोर को चूइंग चबाते हुए इस विषय पर सोचना शुरू किया। एनी वन कुड रेम्बल ऑन, कि कोई भी व्यक्ति अनाप शनाप रेम्बल कर सकता है। एंड लीव बिग स्पेसेज, और बड़ी बड़ी जगह छोड़ सकता है बिटवीन द वर्ड, शब्दों के बीच में। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन जो तरकीब थी वो ऐसी है कि सामने वाला जो है कन्विंस कर ले, विश्वास कर ले। ऐसे तर्क चाहिए टू प्रूव, साबित करने के लिए। द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, की बात करना कितना जरूरी होता है। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड थॉट, और सोचा। एंड सडनली, और अचानक। आई हैड एन आइडिया, मेरे को एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेज, मैंने 3 पेज लिखे। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, मिस्टर किसिंग सर ने मेरे को गृहकारी दिया था। एंड वो सेटिस्फाइड, और संतुष्ट थे। आई आर्ग्यूड, और मैंने उसमें तर्क दिया था। दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, कि बात करना एक छात्र का, स्टूडेंट का चारित्रिक गुण होता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट, और मैं मेरा सर्वोत्तम प्रयास करूंगी टू कीप इट अंडर कंट्रोल, कि मैं टॉकिंग को नियंत्रण में रखूं, वार्तालाप को कंट्रोल में रखूं। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर, लेकिन मैं कभी इस लायक नहीं हो पाऊंगी माई सेल्फ, अपने आप को, ऑफ दी हैबिट, इस आदत से। सिंस, क्योंकि माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी माँ भी उतनी ही ज़्यादा बातें करती जितनी मैं करती थी। इफ नॉट मोर, अगर ज़्यादा नहीं तो। एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और जो इनहेरिटेड वंशानुगत जो गुण होते हैं, ट्रेड्स होती है, विशेषताएं होती हैं, इनका आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मिस्टर किसिंग सर को मेरे इन तर्कों पर एक अच्छी हंसी आई। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, लेकिन जब मैंने मेरे तरीके से टॉक करना प्रोसीड रखा, जारी रखा, थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगले पार्ट के दौरान, ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, तो उन्होंने मेरे को वापस एक दूसरा ऐसे लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए काम दिया। दिस टाइम, इस बार, इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, और इस बार जो शीर्षक था वो था कि लाइलाज बातूनी, यानी कि जिसका कोई सुधार नहीं हो सके। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसको हाथ में लिया। एंड मिस्टर कीपिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और मिस्टर कीपिंग के पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं था। अबाउट फॉर 2 होल लेसन, लगभग 2 पूरे पाठ के दौरान। हाउ एवर, फिर भी, ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे पार्ट के दौरान, ही हैड फाइनली हैड इनफ, उन्होंने आखिर कह दिया। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, एनी फ्रैंक, कक्षा में बात करने की सजा के तौर पर, राइट एन ऐसे निबंध लिखो एंड टाइटल, जिसका शीर्षक है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चटरबग चटरबॉक्स, क्वैक 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 बोली श्रीमती चटरबॉक्स बातूनी। द क्लास रोर, पूरी क्लास ने जोर से आवाज की। आई हैड टू लाफ टू, मेरे को भी हंसना पड़ा। दाउ आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्यूटी, यद्यपि मैं लगभग एग्जॉस्ट हो गई थी, थक गई थी, मेरी इंजेन्यूटी, मेरी बुद्धिमत्ता, दिमाग चला चला करके, ऑन द टॉपिक ऑफ चटर बॉक्स, इस चटर बॉक्स विषय पर लिख करके। इट वॉज टाइम टू कम अप विद, अब ये आ गया था कि इसका पक्का हल कर लिया जाए। समथिंग एल्स, कुछ दूसरा ही, समथिंग ओरिजिनल, कुछ वास्तविक हो। माई फ्रेंड सानी, मेरी जो सहेली है सानी, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो कविताओं में बहुत अच्छी है, ऑफर्ड टू हेल्प मी, उसने मेरे को हेल्प करने का प्रस्ताव रखा।
राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, कि एसे को शुरुआत से अंत तक लिखना है इन वर्स कविता में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, मैं खुशी से उछली। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी, कि मिस्टर किसिंग मेरे मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, ऐसा बेतुका विषय दे करके मेरे को निबंध लिखने के लिए। बट आई हैड मेक श्योर, लेकिन मैंने पक्का कर लिया था, द जोक वॉज ऑन हिम, कि ये जो मजाक था उन्हीं के ऊपर बनेगा। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने मेरी कविता समाप्त की। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और ये बहुत ही सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, ये कविता थी एक माँ बतख के ऊपर। एंड ए फादर स्वान, और पिताजी हंस हैं। विथ थ्री बेबी, जिनके तीन बेबी डकलिंग हैं, उन बतख के बच्चे हैं। हु वर बिटन टू डेथ, और उनको बिटन टू डेथ बाय द फादर, और उनको उनके जो पिताजी के द्वारा काट काट के मृत्यु तक पहुंचा दिया गया, यानी मार डाला गया। बिकॉज, क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो क्वैक क्वैक की आवाज़ बहुत ज़्यादा करते थे। लकीली, सौभाग्य से, मिस्टर किसिंग टुक द जोक, मिस्टर किसिंग ने उस मजाक को लिया द राइट वे, सही ढंग से, सही अर्थों में लिया। ही रीड द पोइम, और उन्होंने उस कविता को पढ़ा टू द क्लास, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने स्वयं की टिप्पणियां भी उसमें ऐड करते हुए पढ़ा। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस, और दूसरी अन्य कक्षाओं में भी एज वेल। वैसे सिंस देन, तब से, आई हैव बीन अलाउड, मेरे को इजाज़त दी गई टू टॉक, बात करने की। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और फिर उसके बाद मेरे को अतिरिक्त गृह कार्य नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दीज डे, आजकल तो मिस्टर किसिंग भी खुद ही ज़्यादा मजाक कर रहे हैं, यानी मजाकिया बन गए। यूआर्स, तुम्हारी। एनी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, उस छोटी लड़की की डायरी से ये अंश लिया गया, विद स्लाइट एडेप्टेशन, इसमें हल्का सा रूपांतरण अनुवाद किया गया है। क्वेश्चन नंबर वन, वॉट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रेंक, एनी फ्रेंक को डायरी लिखना एक अजीब अनुभव किस वजह से लगा, क्या वजह थी? राइटिंग इन ए डायरी वॉज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रेंक, एज शी नेवर हैड ए डायरी, एंड इट वॉज ए गिफ्ट ऑन हर 13th बर्थडे। शी कंसिडर्ड, उसने विचार किया, इट हर बेस्ट फ्रेंड, कि ये उसकी सबसे अच्छी मित्र है। ऑन विच सी रिलाइड, जिस पर वो निर्भर कर सकती है, विश्वास कर सकती है, द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। एंड विद हुम सी शेयर्ड ऑल हर अप्स एंड डाउन, और जिसको वो अपने सारी अप डाउन, यानी अच्छी बुरी बातें सब शेयर कर सकती है। क्वेश्चन टू, वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप ए डायरी, एनी एक डायरी रखना क्यों चाहती है? एनी ऑलवेज फील्स लॉन्ली एंड डिस्ट्रेस्ड, एनी हमेशा अकेलापन और निराश, अवसादग्रस्त महसूस करती है। सो टू गेट ऑफ ऑल द बर्डन एंड पेन, सारी परेशानियाँ और दर्द को गेट ऑफ करने के लिए, हटाने के लिए, शी वॉन्ट्स टू कीप ए डायरी इन विच शी फाइंड्स ए ट्रू फ्रेंड, जिसमें वो एक सच्चा मित्र पाती है। एज सी हैज हार्डली एनी फ्रेंड्स हुम शी कुड कन्फाइड इन, यानी कि अगर दूसरे मित्रों पर वो भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन डायरी पर भरोसा कर सकती है, तो डायरी को एक सच्चे मित्र के तौर पर पाती है। वाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, एनी ऐसा क्यों सोचती है कि वो डायरी को ज़्यादा विश्वास कर सकती है, भरोसा कर सकती है लोगों की तुलना में? एनी फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस, एनी ने महसूस किया कि कागज़ में ज़्यादा धीरज होता है, पेशेंस होता है, देन पीपल टू लिसन टू, सुनने के लिए लोगों की तुलना में, यानी लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं। हर प्लाइट, उसके जो अवस्थाएं हैं अच्छी बुरी। सो इट वॉज इजियर फॉर हर टू राइट ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स विच शी हैड इन हर माइंड। हर पर्सनल डायरी वॉज नॉट मीन्ट फॉर एनी वन एल्स टू रीड, और उसकी निजी डायरी किसी अन्य को पढ़ने के लिए नहीं थी। वाई डज एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, एनी उसका संक्षिप्त रूपरेखा क्यों देती है उसके जीवन की? बाय प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्केच, संक्षिप्त रूपरेखा का चित्रण करके, स्केच वर्णन करके ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन का। एनी वॉन्ट्स टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली, वो एक अपने परिवार की, रिलेटिव, रिश्तेदारों की, एंड हर एज, उसकी उम्र। दिस हेल्प्स द रीडर, जिससे क्या है कि जो पाठक है, रीडर है, उसको मदद मिलती है
टू डेवलप ए कनेक्शन विद द ऑथर, जिससे कि वो लेखक के साथ कनेक्शन महसूस कर सके, जुड़ाव महसूस कर सके, इसलिए वो संक्षिप्त परिचय देती है। वॉट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर, ऐसी क्या चीज़ है जो ये बताती है कि एनी लव्ड करती है उसकी दादी माँ से, ग्रैंड मदर। एनी लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर फॉर सम टाइम वाइल हर पेरेंट्स सेटल डाउन इन हॉलैंड, जब उसके मम्मी पापा हॉलैंड में सेटल डाउन हो रहे थे, जम रहे थे रहने के लिए, तब तो वो कुछ समय के लिए दादी के पास रही थी। शी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड मदर, और वो उसकी दादी माँ के बहुत नज़दीक थी। शी राइट्स इन हर डायरी, जो उसकी डायरी में वो लिखती है, नो वन नोज, कि कोई नहीं जानता है कि हाउ ऑफन आई थिंक ओवर, कि वो कितनी बार उसके बारे में यानी दादी के बारे में सोचती है। एंड स्टिल लव हर, और अभी भी उसको चाहती है, पसंद करती है। ऑन हर 13th बर्थडे, उसके 13वें जन्मदिन पर, बाय लाइटनिंग अप वन कैंडल फॉर ग्रैंड मदर, वो उसके जन्मदिन पर भी दादी माँ के लिए एक मोमबत्ती जलाती है। सी शो हर लव फॉर हर, जिससे ये प्रदर्शित होता है कि वो अपनी दादी को कितना प्यार करती है। वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ एनी, जो मिस्टर किसिंग थे वो एनी के साथ क्यों चिढ़ गए, एनॉय क्यों हो गए, परेशान क्यों हो गए। वॉट डिड ही आस्क हर टू डू, और टीचर ने, मिस्टर किसिंग ने उनको क्या करने के लिए, उसको क्या करने के लिए कहा। मिस्टर किसिंग वॉज एनॉयड विद एनी, मिस्टर किसिंग एनॉय हो गए थे बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव, क्योंकि वो बहुत ही बातूनी थी। ही पनिश्ड हर, और उसने उनको सजा दी बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, अतिरिक्त गृह कार्य दे करके, टू राइट एसेज, कि वो ऐसे लिखे, निबंध लिखे, टू कीप हर साइलेंट, जिससे कि वो चुप रह सके। एंड टॉपिक्स ऑलवेज रिलेटेड टू हर नेचर, और जो विषय दिए निबंध लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए, वो उसके स्वभाव से रिलेटेड थे, संबंधित थे। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर ऐसे, उसका चैटर बॉक्स होना, बातूनी होना, उसके निबंध में वो कैसे सही ठहराती है, जस्टिफाई करती है। एनी जस्टिफाइड, एनी ने न्यायोचित बताया, सही ठहराया, जस्टिफाई किया हर, उसको अपने आप को बीइंग ए चैटर बॉक्स की एक बातूनी है इन हर ऐसे, बाय एक्सप्लेनिंग, ये स्पष्ट करते हुए, दैट इट इज़ ड्यू टू हर मदर, कि ये जो बातूनी होना है वो उसकी माँ की वजह से है। हु वॉज वेरी टॉकेटिव, जो कि उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा बातूनी है। एंड नो बडी कुड डू एनी थिंग, और कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता अबाउट देयर इनहेरिटेड ट्रेट्स, जो उनके इनहेरिटेड गुण होते हैं, वंशानुगत विशेषताएं होती है, ट्रेट होती है, उनका कुछ नहीं कर सकता कोई भी। डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर, क्या आप सोचते हो कि मिस्टर किसिंग एक सख्त अध्यापक थे? नो, मिस्टर किसिंग वॉज नॉट ए बैड और स्ट्रिक्ट टीचर, मिस्टर किसिंग एक बुरे या कठोर अध्यापक नहीं थे। बिकॉज ए टीचर डिड समथिंग, क्योंकि एक टीचर करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज स्टूडेंट्स, वो उसके विद्यार्थियों के वेलफेयर के लिए ही करता है, कल्याण के लिए करता है। एनी टीचर वुड बी एनॉयड, कोई भी अध्यापक चिढ़ जाएगा। इफ चिल्ड्रन कीप ऑन टॉकिंग, अगर बच्चे बातें करना जारी रखे इन द क्लास, कक्षा में। सेकेंडली, दूसरी बात, इफ ही हैड बीन स्ट्रिक्ट, अगर वो स्ट्रिक्ट होता, ही वुड नॉट हैव लाफ्ड एट एनी फनी आर्ग्यूमेंट, तो वो एनी के जो मजाकिया तर्क थे उनके ऊपर हंसता नहीं। वॉट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास, किस बात से मिस्टर किसिंग ने उसको कक्षा में एनी को बात करने के लिए इजाज़त दी। एनी लास्ट ऐसे, एनी का जो आखिरी निबंध था, इन द फॉर्म ऑफ ए पोएम, जो कविता के रूप में था, शोड मिस्टर किसिंग, जिसने किसिंग को बताया दी लाइटर साइड ऑफ ए नॉटी चाइल्ड, कि एक शरारती बच्चे का जो हल्का चुलबुलापन होता है, इट हेल्प्ड ब्रिज द जनरेशन, जिससे पीढ़ी के जो बीच में जो गैप आ जाता है उसको जोड़ने में, ब्रिज बनाने में, पुल बनाने में, सेतु बनाने में हेल्प मिलती है बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, कि एक अध्यापक और छात्र के बीच में सेतु का काम करती है। थैंक यू।